ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। मैं जो कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते, और आप जो करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। इतनी बकवास मैं क्यों कर रहा हूं? सीधे सीधे टू द पॉइंट बताओ अरविंद, आज A-List में किस मूवी के बारे में तुम बात करने वाले हो? A-List with अरविंद। भाई हमने जो भी सीखा है वो सिनेमा से सीखा है, तो बॉलीवुड मतलब एक्शन और एक्शन मतलब बच्चन साहब का तशन। बॉलीवुड मतलब ड्रामा और ड्रामा मतलब ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब का भी है। वाह क्या बात है, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। बॉलीवुड मतलब रोमांस, और यहां पर तो हमें सिर्फ एक ही नाम याद आता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक मिडिल क्लास इंसान जो नींद से उठकर नाश्ता करके ऑफिस पहुंचता है, अपने मैनेजर की गाली खाता है और 9 से 5 ऑफिस में काम करता है, ना उसकी कोई बॉडी है, ना डिशुम डिशुम करता है, ना हीरोइन को बचाता है गुंडों से, लेकिन 9 से 5 उसकी जो कहानी है वही बचे कुछ जो पैसे मिलते हैं उसी में उसका रोमांस है, उसी में उसका प्यार है, उसी में उसकी जिंदगी है। तो ऐसे मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी जब आप बड़े पर्दे पर देखते हो तो शायद आपको सिर्फ एक ही एक्टर का नाम याद आता होगा, तो वन एंड ओनली लेजेंडरी अमोल पालेकर सर। अच्छा ये सब यहीं छोड़ दो, मैं कर दूंगा। स्टेटमेंट्स लेके आओ पहले। स्टेटमेंट्स अभी कुछ बाकी हैं, 2-4 दिन में सारे स्टेटमेंट्स कल सुबह तैयार चाहिए। जरूरत हो तो ओवरटाइम कर लो, एंड नो सिली मिस्टेक्स। मैं कर दूंगा सर। तो आज A-List with अरविंद में मैं जिस मूवी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, शायद बहुत कम लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। 1978 की रिलीज, मूवी का नाम है दामाद। तो कहानी बहुत सिंपल है, अमोल पालेकर के किरदार का नाम है शरद, जो अपने भाई श्रीराम लघु और अपनी भाभी के साथ रहता है। तो पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद अब उसकी नौकरी लगी है तो बहुत दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है उसके 2 मैनेजर्स हैं, एक है मिस्टर रोड्रिगस जिनकी 3 बेटियां हैं, और एक और मैनेजर है जिनकी एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बेटी है। दोनों को जब पता चलता है कि शरद यानी अमोल पालेकर सिंगल है, बैचलर है, तो उनमें उनको अपना होने वाला दामाद नजर आता है। बस यही से इस कहानी की शुरुआत है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमोल पालेकर को अपनी पड़ोसन यानी रंजीता कौर से प्यार हो जाता है। अब इस कहानी का डी एंड क्या होगा ये पता करने के लिए आपको ये मूवी एक बार देखनी होगी। देखिए कॉमेडी ना 2 तरह की होती है, एक स्लैपस्टिक कॉमेडी और एक बड़ी क्लीन। अब मैं आपको एक ऐसा सीन दिखाने वाला हूं जो मेरे दिल के बिल्कुल करीब है, तो सीन का बैकड्रॉप आपको मैं समझाता हूं। देखिए अमोल पालेकर का स्ट्रेंथ है उनके एक्सप्रेशन से, वो किस तरह अभिनय करते हैं। वो फैक्ट्री पहली बार पहुंचे हैं तो उनका जो पैंट है वो गंदा हो चुका है, और वो अपना पैंट अपने केबिन के अंदर साफ कर रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या आजकल जमीन पे चलना भी भूल गए क्या? क्या आप आसमान में चल रहे थे क्या? आप भी तो गिर गए। नहीं सभी प्रोडक्शन के फाइल है, साइन कर दीजिए। पेन साहब चेक किए बिना मत साइन करना, खुशबू आ रही है। नहीं मैं बाद में चेक कर लूंगा। हेलो हेलो तुलसीराम, क्या इधर है? अरे कितनी बार कहा तुझसे इतनी शराब मत पिया कर, देख हाथ भी कांपने लगे तेरे। काम कैसे करेगा तू? साहब काम बाद में करेंगे, पहले इससे तो उठा लेने दीजिए। अरे अभी देखो तो सही। ओ मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार, मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। क्या हुआ, उठने के लिए भी तुझे सहारा चाहिए क्या? दामाद मूवी देखो यार, तब जाकर तो मजा आएगा।
अच्छा मैं ना अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, एक और सीन में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वो सीन है जब अमोल पालेकर अपने मैनेजर के घर पहुंचते हैं और अपने होने वाले साले साहब यानी छोटे ब्रदर इन लॉ से उनकी मुलाकात होती है। जरा ये सीन देखो। हेलो। सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर है, कोई डायलॉग नहीं, एक्सप्रेशन देखो। वाह क्या बात। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि दामाद ये जो मूवी रिलीज हुई थी 1978 में वाज एक्चुअली द रीमेक ऑफ अ बांग्ला मूवी जिसका नाम था मोचक, और मोचक वाज इंस्पायर्ड बाय अ बुक। बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही क्लीन मूवी है, और मेरे ख्याल से आप सबको इस मूवी को ना एक बार जरूर देखना चाहिए। A-List with Arvind में हम और किन मूवीज के बारे में आपसे बातें कर सकते हैं जरा हमें मैसेज करके जरूर बताइए। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, RJ अरविंद है मेरा प्रोफाइल। टिल नेक्स्ट वीक स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग मूवीज। रेडियो नशा।